हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम बनाएंगे पानी पूरी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है, आप देख ही सकते हैं। और हमारे गोलगप्पे भी बहुत अच्छे बने हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पानी पूरी बनाना। पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिए हैं 1/2 कप सूजी, और ध्यान रहे ये सूजी मोटा वाला है, हमें बहुत बारीक सूजी का यूज नहीं करना है। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा, और इसे छान लेंगे। और अब हम यहाँ लिए 1/4 कप पानी, और इसे गरम कर लेंगे। हमें पानी सूजी का आधा लेना है, जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर पानी अच्छे से गरम हो चुका है, और अब हम पानी को सूजी के साथ मिक्स कर देंगे। और अभी पानी गर्म है, इसलिए हम स्पून से इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे हाथों से अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें इसे बस 1 मिनट गूंथना है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मिनट गूंथने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। इसे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे 2 मिनट और गूंथ लेंगे। और हमने इसे 2 मिनट गूंथ लिया है, अब हम इसे 2 पार्ट में करके लंबा सा रोल कर लेंगे। और इस तरीके से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। यहाँ पर हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैदा सूखा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम एक एक करके बेल लेंगे। हमें इसे बहुत बड़ा नहीं बेलना है, बस छोटा सा। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आप करें तो 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ इसे एक प्लास्टिक सीट पर रखेंगे। और ये देखिए, यह सभी तरफ से एकदम बराबर है, ना किसी साइड मोटा और ना पतला है। और इसी तरीके से हम सभी पानी पूरी को बेल लेंगे। यहाँ पर हमने सभी पूरी को बेलकर तैयार कर लिया है। 1/2 कप सूजी में लगभग 40 से 42 पूरी बनकर तैयार हुआ है, और अब हम इसे 10 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, जिससे यह ऊपर से थोड़ा सा सूख जाए, और हमें इसे फैन के नीचे नहीं सुखाना है। यहाँ पर इसे सुखाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे तल लेते हैं। हम जहाँ से पूरी को शुरू में रखना स्टार्ट किए थे, वहीं से उठाकर तलेंगे भी। और हम पूरी को इस तरीके से रखे हैं, तो हम कढ़ाई में इसका उल्टा इस तरीके से रखेंगे, मतलब सूखा हुआ पोर्शन नीचे, और जो नीचे का नरम पोर्शन है हम उसे ऊपर डालेंगे। हम इस तरीके से उठा रहे हैं, और तेल में इस तरीके से डालेंगे। गोलगप्पे को तलने के लिए एकदम गर्म तेल चाहिए, और यहाँ पर हमने एक डालकर देख भी लिया है, और एकदम अच्छे से फूला है, आप देख ही सकते हैं। और अब हम दूसरा डालकर आपको दिखाते हैं, इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा फूल रहा है। और हम ये वाला निकाल लेते हैं, हम इसे पहले डालकर तेल चेक किए थे।
और यहाँ पे यह इस तरीके से ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं पानी। पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लिए थोड़ा सा पुदीने की पत्ती और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती और दो हरे मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक अदरक का टुकड़ा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। आप नींबू के रस की जगह इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट को पीस कर तैयार कर लिया है। और अब इस एक बड़े बर्तन में डालेंगे इसे और साथ ही इसमें डालेंगे लगभग 1 लीटर पानी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, सॉरी यहाँ हमने जीरा पाउडर का यूज़ किया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच सादा नमक। और अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये हमारा पानी पूरी का पानी बनकर तैयार है। और अब हम इसके लिए आलू बना लेते हैं। आलू बनाने के लिए हमने 6-7 आलू को इस तरीके से मैश कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक, 1 चम्मच सादा नमक। और अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती और थोड़े से कटे हुए प्याज और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा आलू बनकर तैयार है। और अब हम सभी को एक साथ सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे सर्व कर लिया है। और अब हम इसे एक फिल करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा पानी पूरी बना है। तो आपको कैसा लगा हमारा यह पानी पूरी का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी मेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर विद गोलगप्पा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।